साथियों, आज हम सीखेंगे हलासन, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश प्लो पोज, एंड फॉर विच उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ वार्म अप करें जिसकी मदद से हम बड़े आसानी से हलासन कर सकेंगे। इट्स इन फैक्ट बेंडिंग फॉरवर्ड आसन। सो आइए करते हैं पहले कुछ वार्म अप। तो आइए करते हैं कुछ वार्म अप, बेंडिंग फॉरवर्ड। सांस भरें, हाथ उठाएं और सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको करने हैं 10 times। दूसरी प्रैक्टिस, ट्राई टू टच योर नोज टू नी, अपने नाक को अपने घुटनों में टच करने की कोशिश करें। सांस भर के हाथ उठाएं और सांस छोड़ते अपने दोनों पैरों को पकड़ लें और नोज टू नी, देन कम बैक। अब आप हलासन करें जो कि बड़ी आसानी होगी आपके लिए। इस तरह से जमीन पे लेट जाएं और दोनों हाथों को अपने थाई के पास रखें। सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को उठा दें और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को गिरा दें। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए इस तरह से गिरा दें। देन कम बैक। 10 seconds, 20 seconds, or 30 seconds, व्हाट्स योर कैपेसिटी, अपनी सलाहियत के अनुसार रुके रहें। ज्यादा से ज्यादा 2 minutes, इट्स इनफ। अगेन लुक, सांस भर के इस तरह से उठा दें और दोनों पैरों को टो अंदर की ओर और टो बाहर की ओर, इट्स वेरिएशन, चलता है इस तरह, हाथ को मोड़ दें चलता है, दोनों हाथों को यहां रखें तो भी ठीक चलता है। नाउ कम बैक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी बेनिफिशियल टू रिमूव ऑल एब्डोमिनल डिसऑर्डर, हमारे पेट की सारी खराबी के लिए बहुत लाभदायक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव, वेरी बेनिफिशियल, बहुत लाभकारी, बहुत उपयोगी उन तमाम लोगों के लिए जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, जिनको एब्डोमिनल डिसऑर्डर है, तो उसको दूर करने के लिए बहुत उपयोगी, खास करके उन लोगों के लिए जिसका स्प्लीन बढ़ गया है, जिसका लीवर बढ़ गया है। तो इस आसन को करने से वही बिल्कुल सही मुकाम पे आ जाता है, बिल्कुल सही जगह पे आ जाता है। और उन तमाम तर लोगों के लिए ये बैन है, मना है, ना करें जिनको गर्दन में दर्द है, जिनको कमर में दर्द है, उनके लिए ये हानिकारक है। सो साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड हैव अ वेरी गुड डे ऑलवेज।